मेरे साथ विश्नाह के विधायक कमल अरोड़ा जी हमारे साथ हैं। अगर लोगों से बात की जाए तो कमल अरोड़ा लगातार लोगों के बीच में उनके दर्द को समझ रहे हैं। पाकिस्तान लगातार जिस तरह से फायरिंग कर रहा है और उस फायरिंग में जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, उसी परेशानी को समझते हुए कमल अरोड़ा जी पिछले कई दिनों से यहाँ पे जब से फायरिंग। कमल जी, आपको क्या लगता है कि देखिए, मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो आपका भी शायद जवाब होगा कि जो सरकार कह रही है कि हाँ पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ये तो हमारे BSF के जवान और हमारे सैनिक जो LOC पर वो इसका जवाब देंगे सरकार की तरफ से। देखिए, आप सरकार में नहीं है लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि सरकार इन लोगों की मदद करने में नाकाम रही है? मैं तो सबसे पहले पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा निंदा करूँगा, क्योंकि ये रमज़ान का महीना है, क्योंकि रमज़ान के महीने में ये कहते हैं कि हमने ना झूठ बोलना है, ना किसी को गाली निकालनी है, ना किसी का दिल दुखाना है, लेकिन ये उल्टी आप ये देख रहे हो कि पाकिस्तान क्या हरकत कर रहा है। और इसकी हरकत जो है, सबसे मैं उसकी निंदा करूँगा। ये इनोसेंट लोग, हमारे बेचारे गाँव के रहने वाले किसान लोग रहने वाले, इन पे मॉर्टर की शेलिंग, और कम से कम 4 दिन से लगातार ये शेलिंग चल रही है। हम यहाँ गांव में बैठे हुए हैं, काफ़ी लोग इंजर्ड भी हुए हैं और काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई है। और मैं ये कहूँगा कि ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों एक ही गवर्नमेंट है। इन्होंने बहुत से वादे किए थे, ये वहाँ से स्टेटमेंट दे देते हैं, होम मिनिस्टर साहब दे देते हैं कि हम अगर एक गोला चलाते हैं, आप 10 गोले चलाओ, तो फिर हमें वो 10 गोलों का ही हमें जवाब भी मिलता है। तो ऐसे ये वर्ड बोले जाते हैं, ये इनके लिए कोई अच्छी बात नहीं है। और अगर ये जो लोग सफ़र कर रहे हैं हमारा, आप आज तो मैं कहूँगा कि ये तो है अरनिया बॉर्डर, काफ़ी सारे जगह पे गोलाबारी चल रही है, लोग बहुत परेशान हैं। और मैं ये कहूँगा कि हम प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से भी मैं गुजारिश करूँगा कि इन दोनों कंट्रियों का आपस में फ्लैग होस्ट करवाया जाए। और नहीं, पाकिस्तान जिस तरह से गिड़गिड़ाया था कुछ दिन पहले जब हमारे BSF के जवानों ने उसको माकूल जवाब दिया और पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, उन्होंने कहा कि यहाँ से फायरिंग बंद की जाए, लेकिन उसके बाद फिर से वो देखने को मिला पाकिस्तान हमें हमें वाला तो है नहीं है। हमें कोई ऐसी कोई बात नहीं लगी कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया या नहीं गिड़गिड़ाया। हमारे जो फौजी जवान है काफ़ी जवाब दे रहे हैं। मैं कह रहा ये काम नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ये भी फायरिंग। हमारे हिंदुस्तान के ये नौजवान फौजी जो काफ़ी फायरिंग का जवाब दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान भी अपनी जितना हो सकता है वो भी कर रहा है। आज सुबह कम से कम कोई 50 गोली आज सुबह दागे सुबह अरनिया टाउन में, पिंडी में, त्रेवा में, गोरिया चक में, चाना, जब्बोवाल, जितने भी गांव हैं, ये इनके बेचारे लोगों के ये किसान लोग हैं, इनके पशु भी घर हैं, तो काफ़ी पशु भी मारे गए हैं। और लोग ये करें तो करें क्या? नहीं तो अरोड़ा साहब, सवाल ये है कि सरकार, जब आप सरकार के नुमाइंदों से जब मिलते हैं, मंत्रियों से जब मिलते हैं, तो आप उनको बताते नहीं कि बॉर्डर के लोगों को किस तरह से मुश्किल का सामना करना पड़ता है? हाँ बिल्कुल, मैं कहूँगा कि मैं ये 3 साल असेंबली में मैंने लगातार कहा, और जब इलेक्शन थी, इन्होंने हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने वायदे किए कि हम आपको प्लाट देंगे, हम ऐसे करेंगे, हम आपको पीछे ले जाएंगे, वो कोई भी ऐसा वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। और मैंने असेंबली में हर सेशन में यही बोला, और मैं इतना चलाया, सबसे ज़्यादा फायरिंग हमारे बॉर्डर तो यहाँ अरनिया सेक्टर में हो रही है, ये अरनिया सेक्टर में हो रही है। और मैं कहूँगा कि यहाँ के लोग बहुत हमदर्द हैं। यहाँ देखो, ये यहाँ पे पूल हमारा गांव है, पूल के ये नौजवान साथी, बुजुर्ग, माताएं, बहनें घर से रोटियाँ बना के यहाँ भेज रहे हैं। हर घर से कम से कम भी 30-30, 50-50 रोटियाँ आ रही हैं, और वो लोग यहाँ खा रहे हैं। लोगों को उनकी बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है, क्योंकि अगर ये गांव यहाँ नहीं होता, यहाँ ये नौजवान साथी जितने भी दिन रात लगातार काम कर रहे हैं, हम इनको बहादुरी का सबसे अच्छा कहेंगे कि बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, ये तो हमारे साथ हो रहा है। तो क्या सरकार की तरफ से किस तरह की कोई मदद नहीं की गई इनकी तरफ? मैं कहूँगा एक कैंप लगाया हमने स्लैड में, क्योंकि जो सही है कि स्लैड में लगाया कैंप, लेकिन जो जितनी हमारी फायरिंग है, लोग इतने वहाँ एक कैंप में आ नहीं सकते, तो यहाँ भी ऐसी कोई नहीं की इन्होंने बंदोबस्त, नहीं हमारे रहने का बंदोबस्त कोई नहीं किया। सामने मंदिर है, वहाँ में रह रहे हैं, यहाँ हमारे हाल हैं, हम उसमें रह रहे हैं। और मैं यहाँ MLA होने के नाते मैं अपने टाउन अरनिया में रह रहा हूँ, अपने घर में रह रहा हूँ, शेयरिंग हो रही है,
और लोगों को साथ लेके पहले मैं सेफ जगह पे रखा हुआ है। मतलब सरकार की तरफ से जो मदद की जानी थी वो नहीं की जा रही है? वो नहीं की जा रही, बिल्कुल ही की जा रही है। इसकी भी मैं कहूँगा, मजम्मत करूँगा खास करके कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हमारी हिफाजत करना और इनके लिए पूरा बंदोबस्त करना। सर मैंने देखा कि मैं खुद वहाँ पे दौरा करने वहाँ पे मैं देखा, मैंने घरों को काफ़ी नुकसान पहुँचा हुआ है, पशुओं को काफ़ी नुकसान पहुँचा है, लेकिन क्या किस तरह का कोई मुआवजा? मैं इसमें ये कहूँ, मैं कहूँगा यहाँ देखो पुलिस डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रही है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रही है, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए हम कहेंगे कि ये काम कर रहे हैं अपनी जगह पूरा सही काम कर रहे हैं, गाड़ियाँ लगाई हैं वो उनको लोगों को निकालने के लिए, हम खुद भी जा रहे हैं लोगों को निकालने के लिए, जो चीज़ें अप्रिशिएट है वो उनको अप्रिशिएट भी करते हैं हम, ऐसे ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से ये हमारा एक पशु मारा जाता है वो हुआ है 50,000 का या 1,00,000 रुपये का, तो उसका कंपनसेशन ये दे देंगे 5,000 या 2,000 दे देंगे, वो सफिशियंट नहीं है। इससे मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, अभी तक हमें कोई कंपनसेशन नहीं मिला खास करके ये जितने भी। सर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि बंकर्स यहाँ पे बने हुए हैं पूरी तरह से, जो तादाद होनी चाहिए थी जितना होना चाहिए था क्या उसी हिसाब से बने हुए हैं? मैं ये कहूँगा J&K स्टेट में सबसे बड़ा का हमारा विलेज जो है अरनी है, यहाँ की 25,000 पॉपुलेशन एक ही गांव की है और वहाँ 10 बंकर अगर बनाए भी जाएंगे तो वो किस काम के, 25,000 लोगों के लिए तो 10 बंकर काम नहीं आ सकते, ये बंकरों से काम नहीं चलेगा। चाहे हमें वो टेम्परेरी फ्लैट ही हमें कहीं बना के रख दें कि जब हमें ज़रूरत पड़े हम वहाँ पे चले जाएं, या तो ऐसा काम करें कि हमको बॉर्डर से हटा लें एक दो महीने हटा लें, और मैं कहता हूँ कि पूरा जवाब दिया जाए पाकिस्तान का, जब वो रहे जहाँ हम रहें, ये ऐसी मौत ना मरे कि हम रोज हर तीसरे महीने में फायरिंग होती है यहाँ पे। यहाँ पे अगर मेडिकल सुविधाओं की बात की जाए तो वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर मैंने देखा, वहाँ पे भी डॉक्टर वगैरह बैठे हैं, तो क्या कोई जम्मू से कोई टीम वो स्पेशल डॉक्टर्स होगी, अगर कोई ज़्यादा इंजर्ड हो गया, अगर कोई ज़्यादा जख्मी हो गया तो पहुँचाने में तो इतना वक्त लग जाएगा? मैं ये कहूँगा कि देखो यहाँ पे कोई भी चीज़ सेफ नहीं है, यहाँ पे जो शेलिंग हो रही है, पहले सबसे पहले हमारी पुलिस स्टेशन जो अरनिया है वहाँ पे शेलिंग हुई और वहाँ एक संतरी को बेचारे को लगी और दो संतरियों को लगी, और उसके बाद हॉस्पिटल में भी हमारे सेल गिरे, तो हमें इमरजेंसी में क्या करना पड़ा, वो हॉस्पिटल उठा के हमने यहाँ पे एक नाला पे लाया, वो ये जो फैसिलिटी है जम्मू वालों से कोई भी हमें नहीं मिली, जो हमारा स्टाफ है वही काम कर रहा है, और जो कहो एक्स्ट्रा कोई स्टाफ आया तो वो यहाँ पे स्पेशल नहीं है। अगर ये हमें ये गवर्नमेंट हमें इग्नोर कर रही है, ना जाने क्यों कर रही है, ये गवर्नमेंट जानती होगी कि क्यों हमें इग्नोर किया के जा रहा है, क्योंकि हमारे गरीब लोग मर रहे हैं, इनको कोई पूछ नहीं रहा। और जो कंपनसेशन दिया गया है, जिस तरह से 4 जो लोग मारे गए थे वहाँ पे आरसपुरा की तरफ से मेरे ख्याल, तो उनको 1,00,000 कंपनसेशन दिया गया, ये बताइए कि 1,00,000 जो कंपनसेशन दिया गया या 2,00,000 कहा जा रहा है, आतंकियों को तो उनके रिसेटलमेंट के लिए उनको कहा जा रहा है 6,00,000 रुपये दिए जा रहे हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? उनको पैसा 10,00,000 भी दे रहे हैं, उनको खास करके मिलिटेंट को 10,00,000 भी दे रहे हैं, उनके घर सर्विस भी दे रहे हैं, पर यहाँ पे ये उल्ट बात है, यहाँ पे 1,00,000 रुपया कंपनसेशन और उसके बाद सर्विस मिलना ना मिलना वो बात की बात है। ये अभी हमारे कैजुअल्टी हैं, यहाँ मैंने असेंबली में भी ये क्वेश्चन रखे 2-4 बार, तो ये कमिटमेंट करते हैं, लेकिन जो अंडर मैट्रिक लोग हैं जो उनको अभी तक सर्विस नहीं मिली। कमल जी एक और सवाल मेरे जहन में ये भी आता है कि अगर ज़्यादा देशभक्ति देखी जाए तो हमारे बॉर्डर के लोगों में, क्योंकि सभी लोग शहरों में बसे हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन बॉर्डर के लोग अपना अपनी जगह छोड़कर नहीं जाते हैं, तो इन लोगों के लिए आपको लगता है कि सरकार को कुछ ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि अगर ये इलाके खाली हो गए तो फिर ये रक्षा वाला कौन करेगा, मतलब इन ज़मीनों का कौन रखवाला होगा? मैं ये जरूर कहूँगा कि ये हमारे गाँव के लोग जो हैं, बॉर्डर के लोग जो हैं, बहुत बहादुर हैं, इतने बहादुर हैं कि किसी को भी अगर इंजरी हो जाती है तब खुद उठा के कंधों पे उठा के लाते हैं, और अगर ये हमारे लोग बहादुर ना हो तो ये जम्मू वाले जम्मू नहीं रहेंगे, फिर ये कहीं और ही जाके रहेंगे,
ये भी अगर सेफ है तो हमारी वजह से सेफ है, बॉर्डर की वजह से सेफ है, क्योंकि यहाँ के नौजवान साथी बहुत बहादुर हैं। आप खुद देख रहे हो, ये घरों से रोटियाँ भी ला रहे हैं, सब्जियाँ भी ला रहे हैं, हर सिस्टम चला रहे हैं, घर की देखभाल भी कर रहे हैं, और इसके ऊपर क्या करें। मैंने देखा कि यहाँ पे कोई मंत्री दौरा करने नहीं, अभी आज तक अभी कोई मंत्री यहाँ नहीं आया, अभी नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ गोलीबारी हो रही है। मैं कहूँगा कि बिल्कुल भी यहाँ कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी, ना सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया, ना हमारी कोई स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ कोई हमारा पूछने आया कि आपका क्या है, आप कैसे रह रहे हो, कैसे चल रहा है, ऐसे कोई भी अभी तक नहीं आया, किसी ने बात तक नहीं पूछी, ना जाने क्यों। इसके पीछे भी कोई वजह होगी, जरूर होगी इसके पीछे कोई वजह कि इनको ना पूछा जाए, ये मैं जरूर कहूँगा। आएंगे 10 दिन बाद कमल जी, 10 दिन बाद। कमल अरोड़ा का साफ कहना है कि सरकार को चाहिए जो लोग बॉर्डर पर रह रहे हैं और जो फायरिंग की जद में आए हुए हैं लोग, वो पलायन यहाँ से कर चुके हैं, लेकिन सरकार को इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए, तारीफ करनी होगी यहाँ के लोकल्स की, इन युवाओं की, इन लोगों की जिन्होंने बॉर्डर पे जो अपना घर छोड़कर है उन्हें यहाँ पे शेल्टर दिया, उनको अपने उन्होंने अपने घरों के दरवाजे उनके लिए खोल दिए, यहाँ पे देखा गया दुकानों के शटर तक खोल दिए गए, यहाँ पर लोग अनजानों को अपने घर में नहीं घुसने देते, वहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पे लोगों को शेल्टर दिया, तो तारीफ इन लोगों की करनी होगी। लेकिन हाँ, सरकार को बार बार ये सवाल पूछने का सभी लोगों को अधिकार होना चाहिए। हम भी सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर बॉर्डर के लोगों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो इनके बारे में सोचा नहीं जा रहा। पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है, भाषण पर भाषण दिए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो ना तो सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पर पहुँचा, ना कोई मंत्री यहाँ पर पहुँचा, ना ही सीएम यहाँ पे पहुंची, ना ही डिप्टी सीएम यहाँ पे पहुंचे, जो लगातार ये दावे करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बनेगी तो लोगों की सहूलियत के लिए बनेगी, बॉर्डर के लोगों की सहूलियत के लिए बनेगी। लेकिन आज वो सहूलियत देखी जा सकती है कि किस तरह से सरकार अपने वादों से मुकरती है। दाद देनी पड़ेगी इन बॉर्डर के लोगों की जो अपनी जगह को नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि एक बार अपनी जड़ों को जो छोड़ देता है वो फिर शायद बसता नहीं है, यही इनके दिल में ये जज्बा है। लेकिन सवाल सरकार पर है कि सरकार को चाहिए, और सरकार को तो एक ऐसी पॉलिसी भी लोगों को डिमांड करनी चाहिए कि उनके सरकार में जो मंत्री हैं, जो शहर के जो बड़े बड़े विधायक हैं, जो बातें करते हैं, उनके परिवार के एक एक सदस्य को बॉर्डर पे एक रात गुजारनी चाहिए ताकि वो इन लोगों के दर्द को समझे। कैमरामैन विकास के साथ ललित खजूरिया, जम्मू लिंक्स न्यूज के लिए। We'll be right back.